इंदौर के डीआईजी कार्यालय में गुंडे से प्रताड़ित होकर एक महिला शिकायत करने पहुंची। मामला थाना खजराना क्षेत्र का है, जहां पर एक फौजी अपने परिवार के साथ की गई मारपीट की शिकायत लेकर इंदौर के डीआईजी कार्यालय पहुंची। महिला का पति जोधपुर में तैनात है। देश की सेवा करने वाली फौजी के परिवार को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है, जहाँ रहने वाली मालती कुशवाहा ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले जितेंद्र पवार, जो कि अपने आप को क्षेत्र के कुख्यात भू माफिया चंपू अजमेरा साथी बताता है, ने मामूली विवाद में घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। महिला अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है और उसका पति जोधपुर में सेना में तैनात है। महिला द्वारा बताया गया है कि जितेंद्र पवार और उसकी पत्नी सपना पवार द्वारा आए दिन क्षेत्र में रहवासियों से विवाद करते हैं। पीड़िता द्वारा बताया गया कि 10 अक्टूबर को पड़ोस में रहने वाले जितेंद्र पवार और उसकी पत्नी द्वारा मामूली बात को लेकर जमकर विवाद किया। डंडोर सरयू से जमकर महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत खजराना थाना पर की गई, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा न तो महिला की शिकायत दर्ज की गई और न ही गुंडे के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि मेरे पति फौज में पिछले 17 वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज उनके ही परिवार की सुरक्षा प्रशासन नहीं कर पा रहा है। महिला अपनी शिकायत लेकर उच्च अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। आवेदन दे दिया आपने? क्या बोले मैंने सर से शिकायत करी, मैंने ये आवेदन दिखाया और वो जो टीआई है वो यहाँ का मूल्य सीएसपी है, वो मूल्य सीएसआई है, तो टीआई इसकी सिफारिश पे उसकी गवाही कर देते हैं। और मैंने पहले भी आवेदन दिया था और अभी भी आवेदन दिया और ये सीएसपी बोल, ये टीआई बोलता है खजराना थाने का टीआई। आज यहाँ पे आए थे, ये क्या बोले? वही बात बोलता है दोबारा। और जबकि वो चंपू अजमेरा का साथी है। हाँ, और मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये आवेदन दिखा। मैं अपने अब मैं सुनिए, आप ऐसा करना बोलना, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आर्मी में है। आर्मी में है ना, वो वहाँ बोलते हैं आपकी? जो मेरे और सर बोलते हैं कि मामूली चोट है, तो सर बोलते हैं कि मामूली चोट है। और मेरे घर का दरवाजा तोड़ा, उससे एक जवान भेजा था, वो जवान आया था, पूरा रिपोर्ट देख के गया है, उसके बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। और इसमें टीआई और मुले जी ना। हाँ बताइए, आज आप डीआईजी ऑफिस आए शिकायत लेकर, क्या पूरा मामला, किनने मारपीट करी थी, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कौन लोगों ने आपके ऊपर हमला करा? जितेंद्र पवार है, जो चंपू अजमेरा का साथी है, वो 2 साल जेल काट के आया है, और उसकी वाइफ सपना पवार और गुड़िया साहू, इन तीनों ने मेरे घर में घुसकर मार तोड़ की और खिड़की दरवाजे तोड़े, मेन गेट तोड़ा। और पहले भी ये लोग मुझसे झगड़ा कर चुके हैं, तो मैंने कहा चलो जान लो पड़ोसी, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा हमला करा। और जबकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, पूरे मोहल्ले से ये लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और मैं सिर्फ अपना गेट साफ कर रही थी और इन्होंने बोला कि मेरे घर में धूल आ रही, और उसकी वाइफ जो सपना पवार है वो डंडा लेकर आई और उसने मुझे डंडे से मारा। और उधर से फिर जो पास में गुड़िया साहू रहती, उसका इस मामले से कोई लेना नहीं देना था, लेकिन तो भी वो बीच में कूद पड़ी, बोलती कि मेरी भाभी को मारेगी, और उसने भी ईंट फेंकी। और जितेंद्र पवार क्या जो उसने भी मारा, और जो उसका कैमरा लग रहा है उसमें सारे सबूत है, तो उसने वो छोटा कैमरा हटा के सारे सबूत मिटा दिए और बड़ा कैमरा लगाया। मैंने टीआई सर को ये बात बोली, तो टीआई सर बोलते हैं कि तुम उसको गुंडा मवाली बोल रही हो, और क्या बोले कि आप उस पर कैसे आरोप लगा रही। तो मैंने कहा सर मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, पूरे मोहल्ले ने देखा है, और जो मूले सीएसपी सर है उनका, जिनका ट्रांसफ़र मनासा हो गया है, मैं उस दिन FIR जब दर्ज करा रही थी तो टीआई सर के पास उनका फ़ोन आया, मैंने खुद सुना, तो सर बोलते हैं कि मेरी तो सर से बात हो गई और मुझे आदम चेक काट के दे दिया गया है, और मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनी गई। और यहाँ डीआईजी सर से बात करी तो डीआईजी सर बोलते हैं मैं टीआई से बात करता हूँ, और यहाँ मैंने आवेदन 2 बार दे चुकी हूँ, और आईजी ऑफिस में भी आवेदन मैंने दिया है, और वो 2 साल जेल काट का है, चंपू अजमेरा का साथी है, और बोलता है कि पुलिस वाले को तो मैं जेब में रखता हूँ, पुलिस वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और आपने इसकी सूचना आपके पति को दी है, और अभी कहाँ पोस्टिंग है वो? अभी उनकी पोस्टिंग जोधपुर है, और मैंने उनको सूचना कल दी है, और वो मुझ और बोलता है कि तुमको मैं जान से मार दूंगा, और बोलता है कि बोले कि जा थाने वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और बोले जितने भी सारे अफसर हैं वो सब तो है मेरे जेब में है, पुलिस वाले सब में, वो सपना पवार, जितेंद्र पवार और गुड़िया साहू। और आप वहाँ पर सर मुझे वहाँ पे है ना 7 साल हो गए रहते
और पूरे मोहल्ला जानता है कि मैं अपने मतलब घर में रहती हूँ और अपना झाड़ू पोता करा घर के अंदर चली जाती हूँ, और पूरे मोहल्ले से वो लड़ाई करती है और अपने बचाव के लिए वो आरोप लगा रहा है। और आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि तीनों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, तीनों जेल जाए। आपका नाम? मेरा नाम मालती कुशवाहा है। ये चंपू अजमेरा ये कौन है और इसके संपर्क में कैसे आई और क्या है इसका? ये चंपू अजमेरा इनके सबसे बड़े मतलब साथी है जो इनके साथ काम करते थे, और ये अभी 2 साल छूट के आया। ये 200 करोड़ धोखाधड़ी में जेल गया था, तो ये सरकारी गवाह बन के उसको अंदर करके ये लोग सरकारी गवाह बन के छूटे हैं। और मकान हड़पने के आपको धमका रहे हैं, और ये है ना एक मूले CSP सर आते हैं जो लाल बत्ती लेकर इनके घर आना जाना है, ये उसका डर पूरे मोहल्ले को दिखाता है कि हमारे साथ तो मूले CSP सर है जो जिनका ट्रांसफ़र मनासा हुआ है, उसका फ़ायदा उठा के पूरे मोहल्ले को डराता है और बोलता है कि पुलिस वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अभी आप यहाँ DIG ऑफिस आए, क्या आश्वासन दिया गया आपको? मुझे DIG सर ने ही बोला कि मैं TI से बात करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि TI वापस वही बोलेगा, क्योंकि TI सर भी है ना उससे मिले हुए, अगर ऐसा होता तो TI सर इंसाफ करते, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि TI सर और मूले CSP सर की डिटेल निकाली जाए, और जो जितेन पवार है वो जितेन पवार की भी डिटेल निकाली जाए मोबाइल की। आपका नाम? मेरा नाम मालती कुशवाहा है। मैं शिवबाग कॉलोनी में रहती हूँ, एमआर लाइन मकान नंबर 42।